रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिस्टर विक्रम, मैं आपके रूम में आई थी। मेरा शू कलेक्शन देखने है। I have something better to show you. डैड, वो जो अपनी एक्सिज़न दवाई है, उसे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी स्टैंप लगाई है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसे लटका के बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स में डिस्क्रेपेंसी है। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं है। एक किसको लेके इतना इमोशन? इमोशंस नहीं है, 2 महीने से पाली भी भड़ास है तुम्हारे लिए। आरोही, क्या प्लान है? कब तक मुंह लटका के रहना है? देन व्हाट डू आई डू? लाइफ में कुछ भी तो नहीं है, मेरी जॉब, हरित्विक। ओह गॉड आरोही, प्लीज स्टॉप टेकिंग दैट इडियट्स नेम फॉर गॉड्स सेक। क्या एक लड़के के चक्कर में पूरी लाइफ खराब करके रखी है? एंड यू नो व्हाट, जितना दिमाग तूने उस लड़के में लगाया ना, उतना दिमाग अपने सीरी पे लगा, विल गेट द जॉब। यू आर क्वालिफाइड इनफ आरोही। मतलब तू नहीं समझ रही, मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन दिल्ली में मीडिया से रिलेटेड कोई जॉब है ही नहीं। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, तब जाके मेरी लाइफ में ऋतिका। और अब ओह गॉड, वो लड़का तेरी लाइफ का सक्सेस पैरामीटर नहीं है। बंद कर और सुन मेरी बात, इट्स नॉट वर्थ इट, ही इज नॉट वर्थ इट। यार पलक, यू आर नॉट गेटिंग इट यार। अच्छा सुन, छोड़ना है सब, मैं दिल्ली डेफ कॉल से मोमोज लेके आई हूं, खा ले। चल 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 चल, छोड़, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, यस जी सर, यस सर, नो आई डिडंट चेक द मेल, 1 सेकंड सर, लैपटॉप देखा, जल्दी। जी सर, यस सर, सो जस्ट चेकिंग इट सर। Yes, sir. Yeah, sir. I'm checking. Right now. Yeah, I'm okay with it. Okay, sir. Arohi? Yaar, online interview hai. Vishmi Lak, main theek to lag rahi hu na? Yeah, yeah, of course. All the best. Thank you. Hello, sir. Hello, Arohi. Good afternoon, sir. Sir, nahi, mera naam Vivek hai. Hi, Vivek. Hi. Hamare paas aapka CV aaya tha. And I've got to say, बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आरोही, आई'd लाइक टू ऑफर यू द जॉब इन माय मुंबई ऑफिस। थैंक यू सर। वी'd लाइक यू टू स्टार्ट टुमारो। जब भी आप बोले सर। मेरा ऑफिस है, आपसे इन टच रहेगा और आपको ईमेल पे टिकट भेज दिए जाएंगे। सो आई'ल सी यू टुमारो। थैंक यू सर, आई मीन विवेक। बाय। थैंक यू, बाय। मिल गया जॉब। सब कुछ हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी। एक बात बता, तू अपने सारे गर्लफ्रेंड्स के ये सब करता रहता है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू मूव ऑन। मैं चाहता हूँ कि मुझे भूल जाए, दैट्स इट। अपने गिल्ट को थोड़ा छोटा करना चाहते हो? कमीने, गिल्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यार मेरी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। होल्ड ऑन, तुम हमेशा कहते थे कि हमेशा पैसे के पीछे भागती है। मैं अभी भी ये बोलता हूँ, ये शायद वैसे ही, लेकिन इसकी वजह से मैं सारी लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकता। तू भी मत क्या। एनीवे, यू बीन अ ग्रेट हेल्प एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड आई विल सी यू। एक मिनट, क्या उसे पता चलना चाहिए सब तुम उसके लिए कर रहे हो? नहीं, I want her to remember me as somebody who's broken her heart. उसी के लिए आसान होगा, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, उसे बताना बहुत मुश्किल होता है। मॉम, प्लीज मत जाओ। मॉम, मॉम, प्लीज, प्लीज, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं जा रही हूँ। जिन रिश्तों पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। मॉम, मैं गुड बॉय बनूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपसे गाना भी नहीं मांगूंगा, प्लीज। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। विवेक प्लीज, तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए पैसा सबसे जरूरी होता है, बाकी सब झूठ होता है। रेखा, ऐसे मत बोलो रेखा, प्लीज मेरी बात तो सुनो कम से कम। रेखा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मैं जा रही हूँ बस। आपको ना इतनी कुफरी की ठंडी में जॉगिंग करनी है, हद करते हो आप भी। गर्मियों में तुमको पसीना आता है, डाइटिंग तुमसे होती नहीं है और टिप टॉप भी तुमको लगना है। क्या मंजीत जी, क्या कर रहे हो आप? जी मैं तो कह रही हूँ ना, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ सारा साल एक जैसा मौसम तो रहता है जी। वहाँ ठंड नहीं होगी तो पश्मीना शॉल और जामावार कैसे खरीदोगी? एक मिनट जी, कह तो ऐसे रहो जैसे बड़ी सारी जामावार ले दी आपने। चलो तो सही।
लो जी, होगी तुम्हारी एक्सरसाइज। मुझे ये भी ब्रेन की एक्सरसाइज है। जमावर तो तब लेती जब अमीर दामाद मिलता। अच्छा दामाद या अमीर दामाद? देखो जी, जब उम्र बितानी होती है ना, तो अच्छा और अमीर सेम ही होता है। दुनिया देखी है मैंने, कौन सा माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी कुड़ियाँ अच्छे घर में जाए। और यही बात जब मैं करती हूँ तो आप और आपकी बेटी लेक्चर सुनाने लगते हैं मुझे। ऐसा एहसास कराते हो जैसे मैंने अपनी कुड़ी का पैसा खाना है। वो तुम तो सहंती हो रही हो। दुनिया भर की कुड़ियों का ब्याह कराती हूँ इसी उम्मीद में कि सबाब मिलेगा। चार लड़कियों का भला करूंगी तो रब जी मेरी कुड़ी का भला करेंगे है? उसे अच्छा घर मिलेगा, जीवन भर की खुशियां मिलेगी। देख लेना तुसी, सब होगा जी। मैंने भी ना हार भी मननी। गल कर दे ओ पलक। What? डॉक्टर पलक नाम है उसका। अच्छा। तो कर रहा क्या उसका यार? अभी तक तो हमारा ऑफिस फील कर रहा था ना उनके साथ क्या हुआ कि बॉस से बात करते ना डॉक्टर रेड्डी से, मुझे लगता है बुड्ढे को पसंद आ गई है। कह रहा था ये साइन करेगी तो मैं साइन करूं। ये क्या बात? डॉक्टर रेड्डी मुंबई में है, फिलहाल मीटिंग तो नहीं हो पाएगी। हेलो, दिस कांट वेट। अरे तो ये भी तो हो सकता है यार, व्हाट्स क्या नाम है उसका? पलक। हाँ वो पलक यार, दैट डॉक्टर पलक। उसने कुछ तो रीजन निकाला होगा ना, कुछ तो देखा होगा उसमें। ओ बिल्कुल नहीं ब्रो, कुंदक निकाल रही है। उसको लगता है कि मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया, इसीलिए हमारी फाइल लटका दिया उसने। पर्सनल हो रही है मतलब? तो और तुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है तुझे लड़कियों से नफरत है। यही चीज अगर मेल डॉक्टर ने बोला होता ना तो तू मान ले जाता। डूड मैं काम में ये सब नहीं करता हूँ समझा। मेरे घर पे आई थी ब्रो, मेरे रूम में आई थी ये सुनाने के लिए कि कैसे मैंने उसकी फ्रेंड की जिंदगी खराब कर दी है, और उसी टाइम पे हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। तुम लोग अभी तक यहाँ पर हो? तुम लड़के तो किचन में खाना बनाने वाले थे राइट? भाई डैड तो शुरू भी हो गए। बेबी आ रहे हैं, एक सेकंड। लीव योर फोन। बट बेबी जान, जान लिसन, पासवर्ड चेंज किया क्या तुमने? हाँ किया था सिक्योरिटी के लिए। अरे तो मुझे तो बता दो यार क्या है। बोलो बीबी, इट्स सो सिंपल। जिस दिन हम पहली बार मिले थे वो डेट याद है ना? या ऑफ कोर्स याद है। हाँ बिल्कुल याद है। इट वाज द बेस्ट डे एवर। इट वाज द बेस्ट डे। इट वाज याद है ना? हाँ मेरे को याद है। तो खोल अपना फोन। या ऑफ कोर्स, खोल ही तो लगाऊं और क्या कर यार, किसे याद रहते हैं ये दिन। हद होती बढ़िया सी आ रही तेरे को है? हाँ तो डालो ना पासवर्ड फिर। याद होगा तो डालूंगा ना यार। याद आ जाएगा। अरे 2405 24th May। यार राइट, तुझे कैसे पता? अरे सबको पता है, भाभी की फेवरेट स्टोरी है, 36 बार सुना चुकी है। तो सही बोल रही है, आप सुनते कहाँ हो? Yeah, I knew it all along। मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। प्लीज। अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको कुछ याद याद रहता नहीं, फेंकते हो आप। मैं फेंक रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ। डॉक्टर पलक का बाद में सॉर्ट करेंगे, पहले किचन में जो डिजास्टर होता है। सी यू गाइस। सो जाओ जाके कमी। दो टेबल स्पून लिखा है यार, दो बोतलें नहीं। अरे पंजाबियों का चिकन ऐसे ही होता है, चुप करो। ये शराबियों का चिकन ना बच्चे नहीं खाने वाले, हम टेलिंग पहले से। अरे शराबी चिकन नहीं है, थोड़ा सा रम डाला है। जब चिकन रम की खुशबू को एब्जॉर्ब करेगा ना, तब देखना कितना मजा आएगा। छोड़ मेरा टूल। लिसन, ये थोड़ी सी रम के चक्कर में ना पूरी फैमिली ने बेहोश हो जाना है यार। तुम लोग खाम का टेंशन लेते हो यार। पंजाबियों का लिवर और किडनी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा पावरफुल। यस डैड। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ऐसे डैड, थोड़े अपने बच्चों की बात सुन लो यार, इतना एक्सेस में भी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। एक मिनट, ये डॉक्टर रेड्डी तो मुंबई गया हुआ, तो रिकॉर्डिंग मराठी में क्यों? बुड्ढा झूठ तो नहीं बोल रहा? ऋत्विक यार तू फोन छोड़ेगा अपना, जल्दी आया, डैड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। लुक एट दिस डेथ बाय चिकन मैन। ओए डेथ बाय चिकन के बच्चे, कमेंट कम पास कर, घी पास कर दे। तू कंट्रोल कर रहा डैड, प्लीज कंट्रोल ना थोड़ा सा। मेल कर, मां जैसे बनाती थी वैसा है कि नहीं? मेल कर। वेरी रमी डैड, आई मीन या भाई। या इज राइट। अब घी का मजा आएगा, देख घी का असली मजा। हमारे जमाने में कहते थे जब सीधी उंगली घी ना निकले तो डैड उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यू राइट डैड। जी सर, कल तक वो प्रेस्ट्रॉल मेडिकेशंस पे रिपोर्ट देनी ही होगी। नो द प्रॉब्लम इज कि मैं अभी मुंबई में हूँ। ओके ऐसे करता हूँ कि मैं ईमेल कर दूंगा। और वो दूसरी वाली इशू, मेरे ख्याल से अभी नून्स को साफ साफ ना कर देना चाहिए। जी ना बोल देना चाहिए। ओ गुड, देन वी आर ऑन द सेम प्लेन। गुड नाइट। सॉरी। तो आप किसे मना कर रही थी? वर्क कॉल। प्लीज मेरी मॉम को मत बताना दैट आई वाज ऑन अ कॉल, बहुत गुस्सा करेगी। अच्छा
So, अब काम की बात, मेरा पैकेज फॉरेक्स रिलैक्स पर ही हो। आपको कैसे पता? ऑफ कोर्स आई नो, मेरी मॉम ने पूरी डिटेल्स दी है मुझे। मेरी मॉम के हिसाब से लड़का कैसा है से ज्यादा कितना कमाता है इम्पोर्टेंट है। अरेंज मैरिज के टॉप 10 पॉइंट्स, लड़का कमाता कितना है, लड़का दिखता कैसा है। माँ है ना, फिक्र करना उनका काम है, इट्स ओके। तो क्या सोचा आपने? बात बताऊं? या प्लीज। मैं भी शादी कर सकती हूँ। आई नीड 4 years एंड हैव टू डू अ लॉट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्हें क्या कहे? प्लीज तुम कुछ बहाना मार दो ना, इस बार मैंने अगर मना किया ना तो मॉम मुझे मार ही डालेंगी। कितने ना बोले हैं आपने? 20। वाओ, और मॉम ने तब भी गिव अप नहीं किया? या शी इज ट्राइंग। फाइनली ना, तुम जिस दिन हाँ कहोगी वो लड़का बहुत लकी होगा। एंड आई होप कि तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिले। जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसकी रिस्पेक्ट मैं कर सकूं, जिसे देखते ही लगे ही इज माय गाय, अ डीसेंट मैन। कितना कमाता है तो मैटर ही नहीं करता, पर दिल का कैसा है ना वो मैटर करता है। क्या सोचता है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, दैट्स व्हाट आई वांट। क्या कर रहे हो यार डैड? मॉम आ गई ना, प्लान बता रही है हमारा। ओए आने दे यार, एक चीज तो पसंद है मुझे, उस पे भी पाबंदी लगा के रखी तेरी माँ ने। मैं बोलता हूँ ना, शादी करके ही पता। राइट, दैट्स ग्रेट डैड, मेरी शादी से पहले नहीं बता सकते थे मुझे। ओए खोते, मैं ये थोड़ी बोल रहा शादी नहीं करनी चाहिए, शादी जरूरी है, डरना जरूरी नहीं। और आप तो बिल्कुल नहीं डरते हो। मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे इसके लिए तो शेर की अंगूठी पहनता हूँ, मैं सिंघम हूँ सिंघम। वो क्या है ना, शादी के बाद बीवियों को ऐसे सोचने देना चाहिए कि हम उसे डरते हैं, उसे क्या स्टेटस को मेंटेन रहे। लेकिन जिस दिन मेरा सिर घूम गया ना, मैं तुमको बोल दूंगा, देखो ममता जी, अगर आपको मेरी सिगरेट से प्रॉब्लम है तो गेट आउट। अब डैड, दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब आप मॉम को बोल दो कि गेट आउट। नहीं बोल पाएंगे। मुझे लगता है बोल देंगे। नहीं बोल पाएंगे। क्या नहीं बोल पाएंगे? तेरी माँ है ना, वो समझती नहीं, जो आदमी सिगरेट पीता है वो भी हेल्दी हो सकता है। अभी देख मेरा मसल देख, 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ रोज सुबह, वो तो आधा घंटा योगा नहीं कर सकती। एक दिन है ना, मैं जाके बोल दूंगा ममता जी देखो तुसी 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 की सिगरेट पी रहा है, बेशरम नालायक, मेरे रूम में आके सिगरेट पी रहा है। अच्छा होगा तुसी आगे, कहो बोलो उसको। बेटे पर मत डालिए, मैंने देखा आप सिगरेट पी रहे थे। लेकिन मतलब वो, और झूठ मत बोलिए, आप जानते हैं मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको सिगरेट पीने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि सिगरेट आपकी सेहत के लिए खराब है, सबकी सेहत के लिए खराब है। डिनर लग गया है सिंगम, चल डिनर करते हैं। डैड सीरियसली आज चिकन खा के मजा आ गया। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट शेफ। You know, the most famous chefs in the world are all men. True that. Yeah, and this talented chef has put so much ghee. Baby, please मुझे आज मत रोको। आज dad ने ना बहुत ही yummy chicken बनाया, कल मैं extra yoga class कर लूँगी, I swear. यार मतलब ये क्या बात हुई यार? हमें तो सोंगने भी नहीं दिया, अकेले खा रहे हो आप लोग। सुना नहीं, बहुत घी है उसमें। और वैसे भी खोतों को घी पचता नहीं है, सुना नहीं तूने? बेटा तुम्हारे पापा ने इतनी रम डाली है उसमें कि बच्चों के लिए नॉट अलाउड। व्हाट इज दिस, क्या बात है, कुछ रम नहीं है उसमें, और ज्यादा डाली। ओ देखो बड़ी पंजाबन। दादी तुसी ना किचन से दूर ही रहा करो, इनकी शक्लें देखो, बुरे हाल कर दिया आपने। नॉट बिलीव यू आर सो हाई ऑन चिकन, लोग पी के ड्रंक होते हैं, हम खा के ड्रंक हो रहे हैं। दादी आपकी रेसिपी हो सकती है। समर यू विल हैव टू कीप अप विद अस, राइट? ओ विजय कमाल कर दिया तूने यार, रियली क्या बढ़िया चिकन बना है। ओए समर याद रखियो, जब भी तू अपने ससुराल से वापस आएगा ना, टल्ली होके आएगा। गारंटी, ड्राइवर लेके जाना। एग्जैक्टली अंकल, समर को हम अपने जैसा बना देंगे। ओए हेलो समर, ये देख ले, ये जो काउच पे बैठे हैं, शादी के बाद ये हाल होता है। ओए खोते थे पुत्र, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि तू शादी करेगा ही नहीं। याद रखी, तेरी शादी के बाद जो ऐसे फंसेगा ना, तो मैं भी दांत फाड़ फाड़ के हंसूंगा। So right, Dad. You're so right. I mean, I had just. Bibi. Bibi, मैं इन लोगों के बारे में बात कर रहा था। मैं तो बहुत खुश हूँ, Bibi. 24th में, है ना? यही है ना password? हाँ, Bibi. 24th में याद है आपको? Of course याद है. Of course याद है इसको. बेटा, अपने बाप की बात ध्यान से सुनो। समर तुम भी सुनो।
शादी का सक्सेस रेट सॉरी बोलने के रेट पे डिपेंड करता है। गलती बाद में करो, सॉरी पहले बोलो। क्या बात बोली। पापा मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, इससे तो शादी करो मत। ये सब बोलने की बातें, ये सब बोलते हैं तो शादी सब करते हैं। मैं नहीं करने वाला शादी खुदी। तो सरप्राइज क्यों हो, कौन सा पहली बार कहा है मैंने ये सब? रम चढ़ गई। दो मम्मा मैं रख देता हूँ। मैंने ही तुम्हें सिखाया है कि खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर किचन में रखो, चाहे मेरे बेटे हों या बेटियां। और मैंने ये भी सिखाया है कि तुम में और तुम्हारी बहनों में कोई फर्क नहीं है। पर शायद एक चीज सिखाना भूल गई। मैंने बिजी करा दिया। मस्ट बी द वाइन मॉम। नहीं, पता है मैं किस चीज में फेल हो गई? तुम्हारे अंदर जो औरतों के खिलाफ नफरत भरी है ना, उसे मैं नहीं मिटा पाई। ये जो तुम बार बार कहते हो कि तुम शादी नहीं करोगे, ये सुन के मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम्हें पता है? मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा करो, अपने दिल में प्यार और रिस्पेक्ट की जगह बनाओ। बेटा बेटा, सब औरतें बुरी नहीं होती हैं। नहीं होती हैं माँ, ऑफ कोर्स नॉट, बट काफी सारी ऐसी होती है ना जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दैट्स इट। यही मैं हार गई, तुम्हारे अंदर से इस फीलिंग को मिटाने में मैं हार गई। आई फेल्ड। और समर बेटा, शादी के बहने दो महीने बाद तेरी भी कैपेसिटी बढ़ा देगी। यू आर टू मच। अरे घर पे समधी आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, बाहर वाले हैं, और आपने ये रम से भरा हुआ चिकन बना दिया। इट्स टोटली लोडेड। ममता जी, तुझे भी बात ना बतंगड़ बना देने वाले। देखो देखो तो सही बात, सब लोग कितने खुश है, कितने they are happily flying. You are flying for certain. क्या करूं आपका सच्ची? पंजाबी है यार, है? हम लोग दारू और चिकन खाएंगे तो और कौन खाएगा? है? और खा ले रम चिकन। ब्रदर, ये पानी रम ही डाला था ना कि अंधू हो गए? आजा। पानी पी बहुत सारा। मतलब साल में एक बार वन टाइम बनाना चाहिए ना सिस्टम की। व्हाट? ओह माय लवली रूम। भाई यू गोना मेक श्योर मेरा कमरा किसी को नहीं जाएगा, राइट? नहीं, मैं अपने गंदे जूते रखूंगा, देख। नहीं, किसी को भी नहीं, प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आई लव यू भाई। आई लव यू टू भाई। चल रेस्ट कर ले, आ जा आराम से। केयरफुल। I love summer too. Of course. And he loves you so much. That lucky idiot. Really? किस्मत वाला है, मेरी बहन मिली है उसको. You think so? Of course. Listen. Come here. He loves me, right? Obviously. इधर आ. कोई बेवकूफ होगा जो तुझसे प्यार नहीं करे. सुन. तेरा रूम किसी के पास नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। पिंकी। पिंकी प्रॉमिस। ओह गॉड, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू मिस यू। सुन, हॉट हॉट लड़कियों के नंबर कौन ला के देगा मुझे? पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे बिना क्या करेंगे हम। मेरी कॉफी कौन बनाएगा? मुझसे लड़ाई कौन करेगा? कौन इरिटेट करेगा मुझे? You're the only one. अब जैसे जैसे तेरी शादी पास आ रही है, और डर लग रहा है यार। Are you getting emo? Yeah. Only because तुझे सुबह उठ के कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत याद आएगी तेरी। Good night, princess. Good night, bye. चल सो जा।
इनफ समर, मैं इस बात पे और बहस नहीं करूंगा। डिसीजन हैज बीन मेड, दैट्स इट। ये आपका फैसला था, ये मेरा नहीं था। आपने मुझे एक बार भी पूछा? ओ यार, यू माय सन, ट्रस्ट मी। अब एक बार बात तो करूं उनसे। रित्विक, ऑल ओके? या ऑफिस की इतनी टेंशन लेता है कि बस। पर तू ठीक है ना शेर? इतनी टेंशन मत ले ऑफिस की, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे। चलो चलते हैं, वी गेटिंग लेट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोल। हेलो ऋत्विक, इट्स टाइम फॉर द रियल एक्शन नाउ। रियली? चल सी यू। वेल वेल डॉक्टर पलक, शॉक मिलने वाला है तुम्हें। नून बायोटिक्स के पेपर्स मैंने साइन कर दिए। व्हाट? ऑक्सीजन एज अ ड्रग नाउ कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। सर पर दिस इज रॉन्ग सर, आपने हमारी फाइंडिंग्स देखी है सर। That medicine is not ready for the market. हम गलत हैं पलक। इतने देशों में इतने ट्रायल्स हो चुके हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के 19 बोर्ड मेंबर्स इस पे एग्री कर चुके हैं। बस एक मैं रह गया हूँ। And you know what? I feel like an ignorant fool. जिस एक्सपर्ट ने इस मेडिसिन का ट्रायल किया है उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ऐसे डिसीजंस लेने से पहले हमें ये सब चीजें कंसिडर करनी होती हैं। You understand? सर कुछ और बात है सर, कुछ तो है सर। कल तक तो आप मेरे साथ थे ना। नून बायोटेक्स कितनी बड़ी कंपनी है तुम्हें कुछ अंदाजा है? और मेडिकल फील्ड में हम सबको एक दूसरे के साथ काम करना होता है। नून की रेपुटेशन का सवाल है और मुझे ये सब संभालना है। सर ऐसा क्या हो गया एक ही रात में जिन लोगों की जान से ज्यादा आपके लिए नून खानदान की इज्जत इम्पोर्टेंट हो गई? क्या कहा ऋत्विक नून ने आपसे? धमकी दिया, रिश्वत? व्हाट्स योर प्राइस? शायद तुम भूल रही हो कि तुम अपने सीनियर से बात कर रही हो, और हो सकता है तुम भी गलत हो। नो सर, आई एम नॉट रॉन्ग दिस टाइम। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना जो अपनी सीनियर्स की इज्जत करना ना चाहते हो। डॉक्टर एरी, आप मेरे लिए सिर्फ सीनियर नहीं थे, आप मेरे आदर्श थे। पर आज मैं अपने आदर्शों को टूटते हुए नहीं देख सकती सर। अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आई विल सर, पर सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा डॉक्टर भी बिकाऊ हो सकता है। ऋत्विक टू ने सिर्फ आपका जमीन नहीं खरीदा, मेरे आदर्शों को खरीद के फेंक दिया है। आई कांट बी सर, आप इसे मेरा रेजिग्नेशन समझ सकते हैं। जो आपको सही लगा वो आपने किया, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगी। मैं उस ऋत्विक नून को ये दवाई लॉन्च नहीं करने दूंगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। मेरे विजु और रिकी की दवा में क्या कमी होगी? मैं तो वही खाऊंगी। आपकी मदर को होश आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई नई दवाई ली थी आप ही की कंपनी की,